Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. तीन दिन में एक वार्ड हो जाएगा, ढंग से करोगे, आराम से करोगे तो भी तीन दिन में वार्ड की शक्लियां हो जाएगी। प्रकार से विश्व एक आई हुई बीमारी और इस रोग से जूझ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों में सावधानी रहे, अजमेर के अंदर इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न ना हो उसको ध्यान में रखते हुए संक्रमणों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा सुझाई गई दवाई को नगर निगम ने खरीदा है और नगर निगम में इसका स्प्रे का काम की शुरुआत आज से करने जा रही है। 60 वार्ड हैं अजमेर शहर के नगर निगम में, 60 वार्ड के अंदर हमने एक टीम बनाई है, 60 कर्मचारियों के साथ दो दो कर्मचारी एक्स्ट्रा दिए ताकि वो पीठ पर अपने इसको लगा कर उस दवाई का स्प्रे पूरे के पूरे वार्ड में करेंगे, हर गली के अंदर करेंगे, तो कोई भी किसी भी वार्ड की कोई गली अछूती नहीं रहेगी, इस बात की टीम की यहाँ पर तैयारी की गई है। इसी प्रकार से दो हमने सीवर जेट को लगाया है, तो जेट जो मशीन है वो जेट मशीन है सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक कोई कार्यालय है, कोई किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे है डिपोज है उस पर वो करेंगे। इसी प्रकार से रात को दो फॉगिंग मशीनें हमने रखी है, तो जो नाइट के अंदर स्प्रे करेगी उत्तर और दक्षिण दोनों विधानसभा के अंदर, एक छोटी मशीन की और व्यवस्था की है जो अंदरूनी वार्ड है, उस अंदरूनी वार्ड के अंदर छोटी गलियों के अंदर जाके वो उस बात की स्प्रे की व्यवस्था करेगी। तो निश्चित रूप से हमारा मानना है कि रोग से बचाव ही उपचार है, तो बचाव हम करने के नाते इस प्रकार के हमने ये स्प्रे की टीमें तैयार की है, सरकार ने जो सजेस्ट किया उसे की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अजमेर शहर के नागरिकों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। निश्चित रूप से हम इसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, किंतु किसी भी प्रकार से अपने घर का कचरा सड़कों पर ना फेंकें, जो डोर टू डोर टेम्पो आता है उसी में फेंकें और निर्धारित स्थान पर ही कचरा अपना देवें, तो निश्चित रूप से सब मिलकर अगर काम करेंगे तो अजमेर शहर इस कोरोना और आने वाली संक्रमण रोगों से अपना बचाव कर सकेगा। सर पहली शुरुआत कहाँ से किया? बिल्कुल यहाँ से ट्रांबे स्टेशन से हमने मशीन की भी शुरुआत की है, और जो मैंने बताया आपको कि कर्मचारियों का हमने 60 कर्मचारियों को बुलाया था, प्रत्येक वार्ड के हिसाब से उनको सामग्री वितरण कर दी गई है, दवाई वितरण कर दी गई है, वो अपने अपने वार्ड में जाकर इनको लक्ष्य दिया है 3 से 4 दिन के अंदर अपने अपने वार्ड को पूरा कम्प्लीट करें। लगभग कितने कर्मचारी लगे? 100 मैंने बताया ना आपको, जो 60 कर्मचारी तो वह हैं उनके उसके विकल्प के अंदर उसको, क्योंकि एक अगला आदमी थक जाएगा तो उसके लिए हमने दो दो कर्मचारी और दिए, तो हर वार्ड के अंदर उसी कर्मचारी जो आज वार्ड के सफाई कर्मचारी हैं जिस वार्ड में है कार्यरत, उन्हीं कर्मचारियों की हमने ये व्यवस्था की है कि दो दो तीन तीन कर्मचारी मिलकर उसको वार्ड को कम्प्लीट करें।